नमस्कार दोस्तों साथियों, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक आजकल जो न्यूज़ में खबर में हमेशा ये छप रहा है, पेपर में अखबार में ये सब में छप रहा है एक शब्द, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये है क्या है, गजबाए हिंद। क्या नाम है? गजबाए हिंद। तो देखिए क्या मतलब है गजबाए हिंद। ये सब जो आप लोग सुनते होंगे बराबर अखबार में, पेपर में, मीडिया में, न्यूज़ में बराबर ये इतना दिनों से चर्चा हो रहा है, ये गजबाए हिंद। तो गजबाए हिंद का क्या मतलब होता है, तो उसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। ये गजबाए हिंद जो है ना बोला जाता है, लिखा जाता है, या उससे उसे उससे जुड़े लोग जो इसके लिए काम कर रहे हैं, आखिर इसका क्या मतलब है। तो देखिए ये इस्लामिक वर्ड है, अरबिक वर्ड है, अरबिक वर्ड है। इसका जिक्र हदीस में हुआ है। हदीस आप जानते हैं हदीस क्या होता है। हदीस में इस्लाम में कुरान के बाद सबसे पवित्र ग्रंथ किसको कहा जाता है, हदीस को। यानी कि जो इस्लाम है मुसलमान लोग में सबसे पवित्र ग्रंथ किसको मानते हैं, कुरान को। कुरान के बाद फिर है ना सो ये हदीस होता है जिसको सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। तो ये हदीस में है ना सो ये पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन के बारे में लिखा हुआ है, उनके सिद्धांत ये सब है ना इसका जिक्र है। तो आप समझ गए हदीस। तो ये हदीस से आया हुआ है, जो इस्लाम का जो पवित्र ग्रंथ है हदीस, तो उसमें इसका जिक्र है। तो हदीस का मतलब समझ गए कि उसमें पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन के बारे में लिखा हुआ है, उसके सिद्धांत ये सब सबका जिक्र है। तो इसी उसी में इसका जिक्र आता है हदीस में, गजबाए हिंद। तो गजबाए हिंद का क्या मतलब है इसका बताए। देखिए गजबा ये इस्लाम में गजबा का मतलब होता है हिंद, गजबा का मतलब होता है युद्ध। यानी कि आप जो है ना सो इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए जो युद्ध होता है, यानी कि एक होता है ना कि रिलीजियस वार जिसको कहा जाता है रिलीजियस वार। तो है ना सो इस्लाम जो आदमी है ना सो इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए युद्ध करता है, तो वैसा उसी को कहा जाता है गजबाए हिंद। अब इसमें गजबाए हिंद का मतलब हो गया कि हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध। यानी कि है ना सो ये इस्लाम में ये हदीस में जिक्र है गजबाए हिंद, तो इसका मतलब हुआ कि हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध। तो हिंदुस्तान का मतलब आप समझ गए कि ये हिंदुओं का देश। हिंदुस्तान का मतलब क्या हुआ, ऐसा देश जो हिंदुओं का देश है। तो ये है ना सो आप समझ गए कि ये तो इस्लामिक राष्ट्र रहा नहीं है कभी से। यहाँ है ना बहुसंख्यक या आबादी क्या है, हिंदू है। यहाँ वहाँ अरब में जहाँ पर ना सो इस्लाम हुआ, जैसे मक्का में हुआ या सऊदी अरबिया ये सब में, तो वहीं पर मुसलमान लोग तो वहीं पर ज़्यादा रहता है। तो उसी में जिक्र है गजबाए हिंद, यानी कि भारत हिंदुओं के खिलाफ युद्ध। इसका असली गजबाए हिंद का मतलब यही हुआ कि भारत हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध, हिंदुओं के खिलाफ युद्ध। तो ये है ना सो ये हदीस में ये कहा गया है कि है ना सो इस्लाम का जो प्रचार प्रसार ये सब करने के लिए जो युद्ध होगा, तो ये ना सो ये गजबाए हिंद का तो समझ गया कि है ना भारत के खिलाफ युद्ध, हिंदुओं के खिलाफ युद्ध, हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध। तो ये है ना माना गया है ऐसा इस्लाम में हदीस में ये माना गया है कि है ना सो ये इस्लाम एक है ना सो गजबाए हिंद तभी सफल होगा जब वो है ना सो हिंदुस्तान पूरी तरह से एक इस्लामिक राष्ट्र बन जाए। यानी कि अभी तक तो हिंदुस्तान है ना सो बहुसंख्यक यहाँ पर हिंदू आबादी है, लेकिन वो ये हदीस में ये कहा गया है या इस्लामिक स्कॉलर ये सब मानते हैं कि जिस दिन पूरा भारत पूरा हिंदुस्तान एक है ना सो इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा, यहाँ एक भी हिंदू नहीं बचेंगे, जितने भी लोग हैं सब है ना सो इस्लाम कबूल कर लेंगे, उस दिन गजबाए हिंद सफल हो जाएगा। तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, ये गजबाए हिंद क्या होता है। तो देखिए तो इसके बारे में आप तो हम सब समझ गए कि है ना सो ये गजबाए हिंद का मतलब हुआ कि हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध, भारत के खिलाफ युद्ध। इसका जिक्र है ना सो ये इस्लामिक ग्रंथ हदीस में इसका जिक्र है जिसका मतलब हुआ कि भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ युद्ध, जिस दिन है ना सो भारत को जीत के, हिंदुस्तान को जीत के, यहाँ के जितने भी लोग हैं सबको एक है ना सो इस्लाम कबूल करवा लेंगे, यानी कि सभी हिंदुओं को यहाँ से भगा देंगे या है ना सो धर्म परिवर्तन करवा देंगे या मार देंगे, तो है ना सो ये इनका गजबाए हिंद सफल हो जाएगा। जब तक ये सफल नहीं होगा तब तक या ना सो गजबाए हिंद का सपना अधूरा ही रह जाएगा। तो है ना सो इसमें जिक्र है कि हदीस में जिक्र है कि कौन करेगा है ना गजबाए हिंद कौन करेगा। तो इसके बारे में ये जिक्र है कि खुरासान। तो खुरासान का मतलब क्या होता है, देखिए खुरासान का मतलब होता है ना कि वैसा इलाका जो है ना सो पाकिस्तान, जो वर्तमान में भी पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है,
और ईरान का जो कुछ इलाका है इस सब मिला के ना खुरासान कहा जाता है। तो ये ना इस्लाम में या ना मुसलमान लोग खुरासान किसको कहते हैं, पूरा पाकिस्तान का हिस्सा हुआ, अफगानिस्तान का हिस्सा हुआ, या फिर है ना सो उसमें ईरान का भी कुछ हिस्सा, इस सबको है ना सो खुरासान, इस पूरा है ना सो जगह को, इस ज्योग्राफिकल एरिया को खुरासान मुसलमान लोग कहते हैं, इस्लामिक में कहा जाता है। तो ये है ना सो कहा जाता है कि खुरासान के लोग है ना गजवा हिंद करेंगे, यानी कि खुरासान के लोग जो है ना पाकिस्तान के या फिर हुआ ईरान के या अफगानिस्तान के लोग भारत के खिलाफ है ना युद्ध छेड़ देंगे और है ना गजवा हिंद का सपना वही लोग पूरा करेंगे। खुरासान यानी कि अफगानिस्तान के लोग, पाकिस्तान के लोग और या फिर ईरान के लोग गजवा हिंद का सपना पूरा करेंगे, भारत के खिलाफ हिंदुओं के खिलाफ आक्रमण करेंगे और युद्ध होगा और इसमें है ना सो सारे हिंदू मारे जाएंगे। तो है ना सो जिक्र है कि ऐसा युद्ध होगा जिसमें कि सारे हिंदू मारे जाएंगे, नहीं तो उनको है ना सो भागना पड़ेगा, हिंदुस्तान छोड़ के सारे हिंदुओं को भागना पड़ेगा या जो बचेंगे उनको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। तो है ना आप समझ गए गजवा हिंद क्या कैसे सफल होगा कि है ना सो ये खुरासान जैसे खुरासान जो है ना देश है अफगानिस्तान पाकिस्तान ईरान वहाँ के लोग आक्रमण भारत पर कर देंगे, हिंदुस्तान पर करेंगे और यहाँ के सारे लोग को मार के या तो मार देंगे, हत्या करके मार देंगे, नहीं तो उनका धर्म परिवर्तन करवा देंगे, इस्लाम कबूल करवा लेंगे, नहीं तो यहाँ से भाग जाएंगे। तो इस तरह पूरा हिंदुस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा और उनका गजवाए हिंद का सपना पूरा हो जाएगा। तो इसमें है ना सो एक और भी बात है कि कौन लोग करेगा, तो इसके बारे में जिक्र है कि मुजाहिदीन या गाजी। तो है ना इस्लाम में है ना कुरान में गाजी शब्द का जिक्र है मुजाहिदीन। तो ये सब ये क्या होता है, तो मुजाहिदीन का मतलब होता है कि ऐसा लोग जो इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए युद्ध करता है, इस्लाम धर्म के लिए युद्ध करता है, तो उसको गाजी शब्द कहा जाता है, या ना मुजाहिदीन जो है ना सो इस्लाम धर्म के लिए युद्ध करता है तो उनको गाजी या मुजाहिदीन कहा जाता है। और है ना ये इस्लाम में कहा गया है, कुरान में यह कहा गया है कि जो लोग गाजी होते हैं या मुजाहिदीन होते हैं जो इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए युद्ध करते हैं और अगर उनका है ना सो युद्ध में मृत्यु हो जाता है, शहीद हो जाते हैं, तो उनको है ना सो ये जन्नत नसीब होता है। वो यानी कि अगर है ना युद्ध में अगर वो मारे जाते हैं मर जाते हैं ये मुजाहिदीन या गाजी, तो उनको है ना सो जन्नत नसीब होता है, वो है ना सो ये अल्लाह उनको जन्नत देता है, ऐसा है ना सो इस्लाम में जिक्र है। तो ये है ना पूरा कॉन्सेप्ट क्या है गजवा हिंद का, है कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र में तब्दील करने का। और ये भी कहा गया है कि भारत में अभी तो कितना लोग है ना सो मुसलमान लोग का शासन रहा बहुत दिन तक, लगभग ना सो 800-900 साल तक इस्लामिक शासन रहा, लेकिन फिर भी उनका गजवा हिंद का सपना पूरा नहीं हो सका। क्या कि आज तक भारत में बहुसंख्यक आबादी आज के डेट में भी है ना सो यहाँ पर 14-15% ही मुसलमान है, यहाँ पर है ना सो लगभग 83-84% है ना सो हिंदू है, बौद्ध है, जैन है, सिख है, क्रिश्चियन है, ये सब मिला के 83-84% है मात्र। ये यानी कि आप समझ लिए ना कि हिंदू है यहाँ 80% है, 2-2.5% है सिख है, बौद्ध है, जैन है, क्रिश्चियन है, तो ये सब का आबादी मिला के लगभग है ना सो 84-85% के करीब है, मात्र 15% ही ना मुसलमान है भारत में। तो अभी देखिए इतना दिन से वो लोग आक्रमण कर रहे हैं। अब भारत में ना सो पहला इस्लामिक आक्रमण कब हुआ था, तो 8वीं शताब्दी में पहला इस्लामिक आक्रमण हुआ था, कौन किया था, मोहम्मद बिन कासिम। तो आप देखिए गजवा हिंद का सपना कब से शुरू, ये सब ये लोग कर रहे हैं सपना पूरा करने का कोशिश 8वीं शताब्दी से, जब मोहम्मद बिन कासिम ने है ना सो भारत पर आक्रमण किया था, सिंध पर आक्रमण किया था, वहाँ पर कुछ दिन के लिए इस्लामिक शासन आया। लेकिन उस समय भी जब है ना सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने जब आक्रमण किया, वहाँ पर अपना राज्य स्थापित किया, उस समय भी वहाँ सिंध प्रांत में बहुसंख्यक आबादी लगभग 90-95% हिंदू ही थी, और ना सो वो इस्लामिक रूल था मोहम्मद बिन कासिम का सिंध प्रांत पर इस्लामिक रूल था, मतलब लेकिन वहाँ पर मुसलमानों की संख्या मात्र ना 2-3% ही थी, अधिकतर लोग 90-95-96% आबादी क्या हिंदुओं की थी। तो ये 8वीं शताब्दी से गजवाए हिंद का सपना देख रहे हैं। उसके बाद ना सो ये किया पृथ्वीराज चौहान थे, उससे युद्ध हुआ मोहम्मद गौरी का, फिर है ना सो ऐसे ही कितना आक्रमण हुआ, ये मोहम्मद बिन तुगलक हुआ या ना कुतुबुद्दीन ऐबक, ये सब इस्लामिक रूल था, सब बाहरी से आया था, गुलाम वंश ये सब था, ये था
क्या खिलजी था, बख्तियार खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, तो ये सब है ना सो अभी तक है ना सो वो आठवीं शताब्दी से ये चाह रहे हैं कि है ना सो गजवाए हिंद का सपना पूरा हो सके। तो ये हदीस में ये सब कहा गया है कि है ना सो भारत में इस्लामिक रूल तो इतना दिन से था, लेकिन जितना भी इस्लामिक आक्रमण हुआ, जो भी आक्रमणकारी थे वो सब है ना सो भारत में है ना सो इस्लाम के सिद्धांतों के हिसाब से आक्रमण किया, लेकिन उनका गजवाए हिंद का सपना आज तक नहीं पूरा हुआ, क्योंकि वो सब ज़्यादातर है ना भारत को लूटने के लिए आए थे। यानी कि आप है ना सो ये चंगेज़ खान हुआ, या है ना सो जितना भी है ना सो ये हुआ मुगल हुए थे, मुगल थे, और भी जितना भी है ना सो ये था इस्लामिक आक्रमणकारी, ये सब है ना सो भारत को लूटने के लिए ही भारत पर आक्रमण किया। उनका गजवाए हिंद का सपना आज तक पूरा नहीं हुआ, क्योंकि भारत में आज भी है ना सो इस्लामिक जनसंख्या कितना 14-15%, अभी यहाँ भी 85% है ना सो हिंदू सिख जैन ये सब हैं, क्रिश्चियन यही सब है। तो इनका गजवाए हिंद का सपना तो अभी तक पूरा नहीं हो रहा है, और ये इतना दिन शासन भी किए तो भारत को लूट खसोट किए, भारत में मंदिर को तोड़े, हजारों मंदिर को तोड़े, विध्वंस किए, नालंदा को तोड़े, बख्तियार खिलजी ने नालंदा को तोड़ा, तो ये सब है ना सो लूट खसोट किया, लेकिन इनका आज तक गजवाए हिंद का सपना पूरा नहीं हो सका है। आज भी है ना सो गजवाए हिंद का सपना इनका तभी पूरा होगा, हदीस में जो लिखा हुआ है कि गजवाए हिंद करने का, जब है ना पूरा भारत में सभी लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे, तभी मात्र 15% है यहाँ पर मुसलमान आबादी, 85% हिंदू है, सिख है, नॉन मुस्लिम है, तो है ना सो इनका गजवाए सिंह ये सब कितना एक 1100-1200 साल से चल रहा है, तो ये कब होगा नहीं होगा सो तो हम लोग कोई जानते नहीं, लेकिन अभी 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 ये है कि गजवाए हिंद जो ये सब बोल रहे हैं, तो ये है ना सो सभी करते हैं, ये सब कट्टरता करते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, टेररिज्म करते हैं, सभी इस्लाम के नाम पर, कुरान के नाम पर, इसलिए करते हैं कि बोलते हैं कि नहीं सो हम है ना सो इस्लाम का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इसलिए हम लोग आतंकवाद में लिप्त हैं, आतंकवाद में लिप्त हैं, आतंकवादी घटना करते हैं, और सब इस्लाम के नाम पर करते हैं, बोलते हैं कि हम लोग इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए है ना सो आतंकवादी घटना करते हैं, लेकिन असल में जड़ में जाइएगा तो इसमें है ना पैसा का खेल है, यानी कि है ना सो पैसा के लिए है ना सो ये लोग खून बहाते हैं, आतंकवाद में शामिल किसने हैं, सिर्फ पैसा के लिए, पैसा कमाने का जरिया है, पैसा के लिए ये लोग आतंकवादी घटना का काम करते हैं, डर का माहौल बनाते हैं, भय का व्यापार करते हैं, तो ये सब इस्लाम के नाम पर होता है, इस्लाम फैलाने के नाम पर कि हम लोग गाजी हैं, मुजाहिदीन हैं, तो लेकिन असल में भीतर में ये सब पैसा का खेल है, पैसा के लिए ही है ना इतना भय का माहौल बनाए हुए हैं आतंकवाद का, और है ना सो गरीबों को लूटते हैं, गरीबों को लूट के है ना सो ये है ना पूरा आतंकवाद का पूरा माहौल बनाए हुए हैं, तो ये है ना होता है इस्लाम के नाम पर, लेकिन है ना सो ये सब भीतर में इसके पीछे पूरा पैसा का खेल है। तो यही है गजवाए इनका हिंद जो है ना पूरा ये सब देख रहे हैं कि भारत को चाहते हैं ये मुसलमान लोग, अरबी लोग, या है ना सो ये सब है सऊदी अरबिया, ये सब जो है, या है ना सो ये अफगानिस्तान में, ये सब चाहता है कि पूरा भारत एक इस्लामिक राष्ट्र बन जाए, और जब तक उनका ये गजवाए हिंद का सपना नहीं पूरा होगा तब तक है ना सो ये इस्लाम का पूरा दुनिया में प्रचार प्रसार नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ये बार बार बोलता है गजवाए हिंद, और सबको मिल गया है, इस पर आतंकवाद फैला रहा है, मार काट पूरे दुनिया में ऐसे किया हुआ है, लेकिन अभी तक तो ये अभी 1100-1200 साल से ना सो ये गजवाए हिंद का सपना अभी पूरा नहीं हुआ है, अब कब होगा नहीं होगा ये तो भगवान जाने, लेकिन है ना सो भारत हिंदू राष्ट्र था, है, और हमको लगता है कि ये रहेगा, यहाँ जो भी है वो भी इस्लामिक रूप एक दिन ख़त्म हो जाएगा, जो भी है यहाँ पूरा सब है ना सो हिंदू ही बनेगा, भारत का एक सनातन जो है ना सो परंपरा है वही कायम रहेगा। तो धन्यवाद।